आज माता जी के लिए प्रसाद बनाएंगे, कंसार बनाने वाले हैं। जय माँ अम्बे एवरीवन। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे गुड़। गुड़ को हमने यहाँ पे छोटा छोटा सा कट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम फ्लेक्स टाइप का हमने इसे कट कर लिया है। और अब इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि गुड़ है ना कम्प्लीटली हमारे जो पानी है ना उसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाता। तो उसे हम गर्म होने देंगे। और दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे लिए हैं गेहूं के जो फाड़ा आते हैं ना, यानी कि जो ब्रोकन वीट आता है जिसे हम इंग्लिश में बल्गर भी कहते हैं, वो लिया है। ये आप देख सकते हो एकदम दानेदार गेहूं जो होता है उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो एकदम दानेदार होते हैं। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे घी। तो हमने यहाँ पे करीब 3 टेबलस्पून के करीब हमने घी लिया है, क्योंकि इसके अंदर मोइन लगाना पड़ता है। तो ज़्यादा घी लेंगे ना बहुत ही टेस्टी वाला बनेगा हमारा कंसार। तो ये होता फाड़ा लापसी जैसा ही है, पर इसका टेस्ट अलग होता है। फाड़ा लापसी और ये जो कंसार है, दोनों की मेकिंग प्रोसेस दोनों की अलग होती है, बनता एक ही चीज़ में से है, क्योंकि गेहूं के जो फाड़ा होते हैं उसमें से बनता है। तो अब हमने यहाँ पे फाड़ा के अंदर घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मोइन वाला कर दिया है, देख सकते हो आप एकदम चमकीला हो गया है। और यहाँ पे हमारा गुड़ वाला पानी जो है वो भी अच्छे से उबल गया है, सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर के अंदर जो हमने गुड़ वाला पानी लिया ना उसे छान के ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक बोल के करीब हमने यहाँ पे फाड़ा लिए है और उससे दुगना हमने यहाँ पे पानी लिया है, यानी कि 2 बोल के करीब पानी लिया है गुड़ वाला पानी। अब फाड़ा को हम गुड़ वाले पानी के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो इस तरह से मिक्स करके अब कुकर का जो ऊपर का लीड होता है वो बंद करके इसे हमें 2 सीटी लग जाने तक हमें कुक करना है। तो 2 सीटी के बाद जब आप खोलेंगे तब ये देखिए हमारे फाड़ा जो है वो एकदम फूले फूले से तैयार हो जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पहले, और ये खुला खुला हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और अब इसे हम सर्व कर लेंगे, प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और अब इसके ऊपर हमें ऐड करनी है पाउडर्ड शुगर, यानी कि हमने शक्कर जो होती है ना उसको पीस लिया है और फिर ऐड कर दिया है, और ऊपर से ऐड करेंगे घी। और फिर सबसे पहले तो ये भोग माता जी को लगेगा, क्योंकि स्पेशली उनके लिए ही हमने प्रसाद बनाया है। तो ये हमारे भोग भी लग चुका है, अब हम हमारे कंसार को सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए है ना एकदम परफेक्टली दानेदार कंसार बन के रेडी हो गया है, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग कितना परफेक्टली दाने दाने वाला कंसार बना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो।